अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मेरा नाम तेजमल है। अब टाइम होता है अपकमिंग स्मार्टफोन का। आज की वीडियो में आपको बहुत सारे अपकमिंग स्मार्टफोन बताने वाला हूँ। अगर आपका बजट कहीं भी स्टैंड करता है तो आप एक नया फ़ोन लेने का सोचो तो अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो लाजमी देख लिया करो, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि अब ये स्मार्टफोन आ रहा है, मैंने इस स्मार्टफोन पर इन्वेस्ट करना है। तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चैनल पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। आज की वीडियो का लाइक टैगर रखते हैं हम 500 लाइक, तो उम्मीद है आप ये लाइक टैगर पूरे कर दोगे। ज़्यादा क्या करना होता है, नीचे जो लाइक बटन होता है उसको प्रेस करना होता है, तो प्रेस कर दो, हमारा भी लाइक हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। तो चलते हैं पहले स्मार्टफोन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं रियल मी की, क्योंकि रियल मी ने काफ़ी देर हो गया कोई भी स्मार्टफोन पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च नहीं किया, अच्छा वाला, जिसको कहते हैं ना सही वाला अच्छा फ़ोन, वो अभी तक कोई भी नहीं आया। इनकी नंबर सीरीज पहले लॉन्च हुई, 8 सीरीज़ लॉन्च हुई, 8 सीरीज़ में कोई भी स्मार्टफोन आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता, लिमिटेड स्टॉक था, वो सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद हमें कोई भी स्मार्टफोन रियल मी का देखने को नहीं मिला। अब कहा जा रहा है कि आपको जनवरी के मंथ में रियल मी 9i पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पहले आपको 9i देखने को मिलेगा, फिर बाद में 9 और 9 प्रो पाकिस्तान मार्केट में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6nm पे बेस्ड है, जो कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक आपको प्रोवाइड किया गया है। इस पैटे की बात करें, जिस पैटे में आने वाला उस पैटे के लिहाज से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन रियल मी और शाओमी जो भी अपने स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ मिलाएंगे आपको इसी प्राइस टैग में देखने को मिलेंगे, जो कि 35 से 40 हज़ार कैटेगरी में होने वाला है। इसमें एक IPS पैनल देखने को मिलेगा, 90Hz का, 50MP का बैक कैमरा देखने को मिलेगा, 5000mAh की बैटरी, और डिज़ाइन की बात है तो कुछ आपको ऐसा Realme GT जैसा डिज़ाइन देखने को मिलता है, और मैं डिज़ाइन वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में जनवरी के मंथ में देखने को मिल जाएगा। और दूसरा जो Realme का स्मार्टफोन पाकिस्तान मार्केट में देखने को मिल सकता है वो GT2 Pro हो सकता है, क्योंकि इनका रिसेंटली पाकिस्तान में एक इवेंट भी हुआ, इंटरनेशनल इवेंट हुआ, उसमें GT जो नया इनका आ रहा है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग इन्होंने शेयर की है। ये भी उम्मीद की जा रही कि आपको जनवरी के मंथ में Realme GT2 Pro देखने को मिल सकता है, जो कि पाकिस्तान मार्केट में भी 1 लाख अराउंड कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब Realme पाकिस्तान में अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है तो Xiaomi कैसे पीछे रहेगा। तो Xiaomi की Redmi Note 11 सीरीज तो चाइना में लॉन्च हो चुकी है, वो 5G सीरीज थी, लेकिन पाकिस्तान में Note 11 सीरीज का एक ही स्मार्टफोन कंफर्म किया जा रहा है कि एक ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, वो जो कि Redmi Note 11 खाली वाला होगा। इसमें कोई प्रो कोई प्लस नहीं आ रहा अभी तक, आपको Note 11 खाली वाला देखने को मिलेगा। जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो 5G स्मार्टफोन था, लेकिन जो पाकिस्तान में आएगा वो एक 4G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के साथ में आएगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि इसमें AMOLED डिस्प्ले आता है या नहीं आता, लेकिन अभी तक तो ये कंफर्म हो रहा है कि इसमें आपको IPS पैनल आपको देखने को मिलेगा, जो कि 90Hz रिफ्रेश के साथ में आएगा, वही आपको 50MP का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और डिज़ाइन भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट डिज़ाइन विज़ाइन की भी बात करें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान में जब आएगा तब ही एक्चुअल में बता पाएंगे इसकी प्राइसिंग देख के Realme 9i लेना चाहिए या फिर ये Note 11 आपको लेना चाहिए। जब इनकी प्राइसिंग लॉन्च होगी तब ही हम इसको कंपेयर करके देख पाएंगे कि पाकिस्तान में कौन सा बेटर स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 680 के साथ में। अब टेक्नो की बात करें तो टेक्नो की तरफ से आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, एक है टेक्नो पोवा नियो, दूसरा टेक्नो पोवा 5G। नियो की बात करें तो भाई लिख ले लो भाई, टेक्नो ने अपना जो पोवा सीरीज है इसको अलग से सब ब्रांड बना देना है, जैसे Xiaomi ने रेडमी अपनी सीरीज निकाली तो उसके बाद उसको सब ब्रांड बना के उसको एक नया सब ब्रांड बना दिया रेडमी का, ऐसे ही आपको पोवा सीरीज भी सब ब्रांड में कहीं देखने को मिल सकती है, लिख के ले लो। सबसे पहले पोवा नियो की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको एक मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि मीडियाटेक का हीलियो P22 का है, जो कि किसी लिहाज से भी स्टैंड नहीं करता भाई, पोवा सीरीज को ये स्टैंड ही नहीं करता। पोवा सीरीज में हमें ज़्यादातर एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो इसमें ऐसा कोई भी आपको प्रोसेसर नहीं जो कि आपको गेमिंग देखने को मिल रहा हो। इसमें एक IPS पैनल देखने को मिल जाता है, 6000mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है पोवा नियो में, तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन फिर भी प्राइसिंग पर डिपेंड करेगा इसकी प्राइसिंग क्या आती है, 4GB रैम 64GB के साथ में। मेरे लिहाज से इसकी प्राइसिंग 20,000 के अराउंड कहीं होने वाली, इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, जैसे लॉन्च होगा साइज स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो जाएंगी, आपको किसी न्यूज़ में या किसी वीडियो में लाजमी कंफर्म कर देंगे। दूसरे स्मार्टफोन की बात जो कि टेक्नो पोवा 5G होना है, उसमें आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, मीडियाटेक की तरफ से आता है, जो कि मीडियाटेक का डोमेस्टी 900 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, एक 5G प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट तगड़ा होता है, जो कि स्नैपड्रैगन 860 के अराउंड आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जो कि पोको X3 प्रो में आपको देखने को मिलता है उसके अराउंड आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। बाकी 50MP का रेयर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 12MP का फ्रंट कैमरा, एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120Hz के साथ में आपको 6000mAh बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। तो ये भी स्मार्टफोन आएगा कहीं 45 से 50 हज़ार के कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। और लॉन्च डे की बात करें तो जनवरी या फरवरी के आपको स्टार्ट में ये स्मार्टफोन पाकिस्तान मार्केट में देखने को मिल जाएगा।
अब सैमसंग की बात है तो सैमसंग का एक स्मार्टफोन पाकिस्तान में आ रहा है जो कि सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज का होने वाला है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE होगा। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज़ का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बाकी कैमरास 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक टेलीफोटो लेंस, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठाक, मतलब फ्लैगशिप लेवल का फ्लैगशिप किलर कह सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 1 लाख के अराउंड कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। जो ये FE आते हैं ना, FE फैन एडिशन, बहुत तगड़े आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब अच्छी आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, प्राइसिंग भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। तो इसकी प्राइसिंग भी 1 लाख के अराउंड कहीं आती है, तो स्नैपड्रैगन 888 काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है 1 लाख में अगर आपने कोई भी स्मार्टफोन बाय करना है। अब वीवो अपने स्मार्टफोन बहुत धड़ाधड़ से जल्दी लॉन्च किया जा रहा है। अभी इनकी रिसेंटली वीवो की वी सीरीज लॉन्च हुई, जिसमें V21e और V21 लॉन्च हुए। अब बहुत जल्द आपको ये भी देखने को मिल रहा है वीवो की V23 सीरीज भी पाकिस्तान मार्केट में देखने को मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि आपको 11 से 15 जनवरी के अराउंड इसकी लॉन्च डेट देखने को मिलेगी। वीवो के V23e पाकिस्तान में पहले लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर मीडियाटेक का एक पावरफुल प्रोसेसर 4G देखने को मिल जाएगा, जो कि मीडियाटेक का हेलियो G95 का देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ठीक ठाक आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, गेमिंग की बात करें तो ठीक ठाक देख देता है, एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सबसे तगड़ी बात है इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, बाकी 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है और 44 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। वीवो को बैटरी पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, इसमें भी आपको 4000 समथिंग में आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, मिनिमम 5000 mAh की बैटरी तो होनी चाहिए थी। और वीवो V21 की बात करें तो आपको इसी लॉन्च के दरमियान में देखने को मिल सकता है, या फिर आपको जनवरी के लास्ट में वीवो का V21 देखने को मिल जाएगा। और वीवो V23e की बात करें प्राइसिंग की तो 50000 से नीचे होगा, 45-46 हज़ार अराउंड यहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी, और वीवो V23 जो होगा वो 60000 अराउंड कहीं जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरह। ओप्पो के स्मार्टफोन में आपको ओप्पो रिनो 7 देखने को मिल सकता है। ओप्पो रिनो 6 तो पाकिस्तान में 5G वाला नहीं आया, लेकिन 4G वाला लॉन्च किया गया, लेकिन ओप्पो रिनो 7 आपको जनवरी के मंथ में पाकिस्तान मार्केट में देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है स्मार्टफोन, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। इतने भी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको ओप्पो नहीं देता। प्राइसिंग की बात करें 7 से 65 हज़ार के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन में आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आज की वीडियो का 500 लाइक टारगेट है, तो लाइक कर देना, वीडियो को भी शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।